coming in 2 minutes just. Everybody join soon. Hello everyone, I hope you all are fine and taking all the precautions from COVID-19, like using hand sanitizers, washing hands regularly for 20 seconds and maintaining social distancing. आपको पता है ना social distancing का meaning? Yes, सबसे दूरी बनाकर रखनी है हमें, at least for 2 meters और 6 feet की. I know आपके summer vacations है ना, and you are enjoying a lot at home. But आपके enjoy को double करने के लिए Abhinav Junior is back with his virtual tour. Today we are also joined by the eminent panel of chartered accountants led by CA Sangam Kumar Agarwal. We welcome you all. Yes, today we are going for a virtual tour. आपको याद है ना हम लास्ट टाइम भी गए थे वर्चुअल टूर के लिए. Yes, tell me हम कहाँ गए थे, कौन से प्लेस पे गए थे हम, tell me. बताओ हम कौन से प्लेस पर गए थे. Yes, हम गए थे आगरा, ताजमहल. ताजमहल के लिए गए थे हम वर्चुअल टूर के लिए, विच इज इन आगरा. एंड आज हम जाने वाले हैं, आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं वर्चुअल टूर के लिए, टेल मी वेयर वी आर गोइंग फॉर द वर्चुअल टूर, टेल मी. आई एम वेटिंग, टेल मी हम कहाँ जा रहे हैं आज. यस, टुडे वी आर गोइंग फॉर द अजंता एंड अलूरा केव्स. यस, आज हम जा रहे हैं अजंता एंड अलूरा केव्स में, द फेमस. आपको पता है ये फेमस क्यों है, डू यू नो ये फेमस क्यों है ये केव्स, बताओ आपको पता है. यस, ये केव्स फेमस है अपनी पेंटिंग, आइडल्स जो इनमें मूर्तियां हैं, डिजाइन्स हैं, उनके लिए फेमस हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक ही रॉक से कट आउट है एंड वो भी यू शेप में. यस, इन हॉर्स शू शेप में ये कट है. यू कैन सी योर, दिस इज द हॉर्स शू शेप, यू शेप जिसे हम कहते हैं. लुक एट दिस, आपको छोटी छोटी विंडोज दिखाई दे रही हैं? ये है हमारी केव्स. यस, दिस, ये है हमारी केव्स विच आर इन यू शेप.
जो यू शेप में है, इसे कहते हैं हॉर्स शू शेप। कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है यहां से। दीज ऑल आर आर केव्स, ये हमारी केव्स हैं। दीज आर स्मॉल अजंता केव्स, ये हमारी अजंता की केव्स हैं। यू ऑल आर एक्साइटेड, एक्साइटेड हो इन केव्स के देखने के लिए। लुक एट दीज केव्स, कितनी ब्यूटीफुल है। यस, आज हम इन केव के फैक्ट के बारे में जानेंगे। एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। Do you want to know more? आपको जानना है इसके बारे में और? Yes, बताओ जानना है? Hello, I am Simran and I am your guider. मैं इस टूर की गाइडर हूँ आपकी and मैं आपको इन केव्स के अंदर लेकर जाऊंगी एंड इनके जो फैक्ट्स हैं, इनकी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, हम वो सब देखेंगे। सो लेट्स गो विद मी, लेट्स गो। आपको पता है ये केव्स कहाँ पर हैं? यस, आपको पता है कहाँ पर हैं ये केव्स? टेल मी, कहाँ पर हैं ये सारी केव्स? यस, ये केव्स हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये केव्स। एंड ये केव्स 1000 ईयर पुरानी है। यस, 1000 ईयर्स पुरानी है ये केव्स। एंड आपको पता है यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है इन 1983। You know the meaning of World Heritage Site? पता है आपको मतलब इसका? बताओ, पता है इसका मतलब? Yes, tell me. इसका मतलब है जो इसका स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, आर्किटेक्ट है अंदर का, दे ऑल आर इंटरनेशनल लेवल, वो सब इंटरनेशनल लेवल का है। एंड आपको पता है इतनी मशीन्स डेवलप होने के बाद भी ऐसा डिजाइन कभी नहीं बन, आज तक कभी नहीं बन पाया ऐसा डिजाइन। दैट्स व्हाई इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। एंड ये 1000 ईयर पहले बनाई गई थी बाय यूजिंग, बहुत पहले बनाई गई थी एंड इसे हैंड से बनाया गया था। एंड इस प्लेस को पता है किसने फाइंड आउट किया था? दिस प्लेस इज फाउंडेड बाय 1819 बाय जॉन, इन 1819 बाय जॉन स्मिथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के जॉन स्मिथ ने इसे फाइंड आउट किया था। दीज केव्स आर वेरी ब्यूटिफुल, लुक एट दिस डिजाइंस, कितने ब्यूटिफुल हैं। एंड दे ऑल आर हैंडमेड, ऑल आर हैंडमेड डिजाइंस। सो चलें, फर्स्टली आप हम चलेंगे अजंता केव्स में। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। सेशन के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड जो इनके राइट आंसर देगा उसे अभिनव जूनियर्स की तरफ से प्राइज मिलेगा। यस, बहुत सारे प्राइज मिलेगा उसे, बहुत सारे। एंड अगर आपको प्राइज विन करने हैं then listen the tour very carefully and facts bhi sunna so that aap ise answer kar sako and gifts ko win kar sako. Okay, so let's go inside, chale ab caves dekhne.
फर्स्टली हम अजंता केव्स में जाएंगे. डू यू नो अजंता केव कॉम्प्लेक्स में 29 केव्स हैं. यस 29 केव्स. एंड अलोरा केव कॉम्प्लेक्स में 34 केव्स हैं. 34 वाओ. एंड यू नो जो अजंता केव्स हैं नॉर्थ औरंगाबाद में 99 किलोमीटर तक स्प्रेड हैं. 99 किलोमीटर्स. कितनी बड़ी होंगी ये केव्स. थिंक अबाउट इट. जो 99 किलोमीटर तक स्प्रेड हैं. एंड इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट कितने ज्यादा होंगे. सो लेट्स गो विद मी. हम इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने चलें. यस कम विद मी. Do you know at the entrance? अब हम enter करेंगे जब हम caves में. Firstly, we using boat. हम boats का use करके इन caves तक जाएंगे. And at the entrance, जब entrance होगा तब आपको Lord Buddha की बहुत बड़ी एक मूर्ति देखने को मिलेगी. And उसके साथ हमारे dancing girls, lovers, pink elephant, maids, bullfight. इन सबके स्कल्पचर पिक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको. जैसा लगेगा आपका वेलकम कर रहे हैं. सो लेट्स गो इन दीज केव्स. केव्स में चले आप. ओके फर्स्टली वी विल एंटर इन केव वन. दिस इज आर केव वन. चले अंदर. यस दिस इज आर केव वन. डू यू नो केव वन में एंटर करने के लिए 3 मेन डोर्स हैं. 3 मेन डोर्स हैं केव्स में एंटर करने के लिए. एंड केव वन को अजंता कॉम्प्लेक्स की सबसे इम्प्रेसिव केव माना जाता है. यस सबसे इम्प्रेसिव केव माना जाता है. यू कैन सी योर कितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर वॉल्स पर. कितनी अच्छे से इन्हें डिजाइन किया गया है. लुक एट दीज वॉल्स. इज इट अमेजिंग. Look at the pillars. Pillars कितने beautiful हैं. And कितना अच्छा इन पे design किया हुआ है. Do you know all the Ajanta caves are related to Buddhism religion? Yes, ये हमारे Buddhism religion से related है ये caves हमारी. You can find here. आप यहाँ पे find करोगे कि हमारी जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी paintings हैं, वो Lord Buddha से related है. You can see here on the roof. आप roof पे देख सकते हो कि जो paintings हैं उनके colors 1000 years पहले किए गए थे. And see आज तक भी इतने अच्छे bright हैं. कितने clearly दिख रहे हैं ये colors हमें. You can see here कितनी amazing है ये drawings and arts. Is it amazing? This is our roof view. Cave 1 का roof view है ये हमारा. Animals की pictures हैं यहाँ पर. You can see here. Yes, this is view. आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की इतनी बड़ी पेंटिंग है. इतनी बड़ी मूर्ति है लॉर्ड बुद्धा की. एंड जितने साधु थे वो सब यहाँ वर्शिप करते थे इनकी. लुक एट दिस कितने अच्छे से इसे बनाया गया है. यस कितनी ब्यूटीफुल है ये. Look at this. Sitting posture में Lord Buddha की मूर्ति है. In sitting posture. And वो worship कर रहे हैं. Craving out of rocks. इसे rocks से बनाया गया है. Rocks को तोड़कर इसे बनाया गया है. Craving करके उसकी. कार्विंग करके रॉक से. लुक एट दिस.
आपको यहाँ गैप दिख रहा है बीच में? यू कैन सी हियर दीज गैप्स। यस, आपको पता है ये गैप्स क्यों बनाए गए हैं? यू नो दैट? आई विल टेल यू ये गैप्स क्यों हैं। वॉल में ये गैप्स दिख रहे हैं ना आपको? दीज गैप्स यू विल फाइंड बहुत सारे हैं। क्यों है ये? Do you know? I will tell you. जब मॉनसून होता है तब यहाँ पर बहुत सारे साधुस यहाँ पे worship करते थे and but मॉनसून के टाइम पर उन्हें ट्रेवल करना डिफिकल्ट होता था, इसलिए वो इन केव्स में ही रहते थे। एंड जो ये मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं, ये भी उन्होंने अपनी वर्शिप के लिए बनाई गई हैं। यू कैन सी हियर कि ये फ्लोर से कितनी ऊपर है। यू कैन सी हियर कि फ्लोर में एंड इनमें कितना गैप है। ये इसीलिए है, अगर यहाँ पर वाटर जो हमारा मॉनसून का पानी है अगर वो यहाँ पर भर जाएगा तो वो अपनी इन सीलिंग्स में, इन गैप्स में बैठकर वो अपना आराम से वर्शिप कर सके गॉड की। एंड इसके अंदर उन्होंने बेड्स भी बनाए हुए थे सो दैट वो इजीली रेस्ट कर सके वहां पर आफ्टर वर्शिप। एंड वो इनमें रेस्ट करते थे, वर्शिप करते थे मॉनसून के टाइम पर। जो आगे मेन केव्स हैं ये फ्लोर से ऊपर है ताकि इनमें पानी ना आ सके, ये फ्लोर से ऊपर होती थी। यस, सो उन्होंने कितना यूज किया माइंड कि वो इजिली अपनी वर्शिप भी कर सके एंड वो इन केव्स में भी रह सके। यू कैन सी जो गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास है केव्स, इनमें मेन जो हमारे बड़े होते थे साधु संत वो रहते थे, जो हमारे साधुस जो बड़े होते थे वो इन केव्स में रहते थे। एंड टू ऑन अ राइट साइड, टू ऑन अ लेफ्ट साइड, एंड जो रिमेनिंग्स होते थे वो साइड्स वाली जो हमारे हॉल्स हैं, जो साइड वाली सीलिंग्स हैं वो इनमें रेस्ट करते थे एंड वर्शिप करते थे। लुक एट दीज केव्स, कितनी ब्यूटीफुल है केव वन। Look at this roof view. यहाँ पर भी paintings हैं. All are so clear. This is our cave one. चले अब next cave में चले. Do you want to go on the next cave? So let's go on the next cave. Our next cave is cave number 4. Yes, we are going to cave number 4. Yes, this cave, you can see here. Do you know, is cave ko largest plan kiya gaya tha. It is so beautiful and ye cave one se different bhi hai. You can find कि यहाँ पर कितना difference है cave वन से। Is this beautiful? Do you know यहाँ पर 28 pillars हैं? There are 28 pillars. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दो बैक साइड्स पर है, 14 बैक साइड्स पर है, तो 14 आर ऑन वन साइड एंड 14 अनदर साइड्स पर है एंड टोटल कितना हो गया हमारा 28.
and they all are placed in square shape. Sab square shape mein placed hain. You can see here. Kitni beautifully placed hain ye sab. This is our cave number 4. And you know, yahan par six huge murtiyan hain Lord Buddha ki. जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी 6 ह्यूज मूर्तियां हैं. यू कैन सी हियर 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन अनदर साइड. यू कैन सी हियर बट इनमें से जो 2 हैं वो इनकम्प्लीट हैं. 2 इनकम्प्लीट हैं बट दे आर टोटल 6 ह्यूज मूर्तियां हैं लॉर्ड बुद्धा की. एंड यू कैन सी देयर इज वन मेन. कितनी ब्यूटीफुली है एंड ऑल आर इन डिफरेंट पोस्चर. सब डिफरेंट पोस्चर्स में है. यू कैन सी इज इट ब्यूटीफुल. चले अब नेक्स्ट केव में चले. Let's go in the next cave. Yes, let's go. Our next cave is cave number 17. Yes. See this? This is our cave number 17. आप बता सकते हैं इसको देखकर ये किस लिए फेमस हो सकती है? Can you tell me? ये किस लिए फेमस हो सकती है cave number 17? Think about it. Think? Yes, cave number 17 is famous for the paintings. हमारी पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स हैं इन पर, वॉल्स पर, रूफ पर, उनके लिए फेमस है. केव नंबर 17 फेमस है फॉर द पेंटिंग्स. सी दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. Can you say this? These paintings are 1000 years ago. ये 1000 years पुरानी हैं ये paintings. आप कह सकते हो उन्हें देख के. Look at the colors. अभी तक properly दिख रहे हैं ये colors. Mostly red, yellow and lime colors are used. You can see here. Green, blue, these colors are mostly used in these paintings. And you can see that these paintings are depicting pillars. Even on pillars pe bhi paintings hain. Kitni beautiful hain ye paintings. You can see these paintings. And aaj tak hum aisi paintings nahi bana paaye. इवन इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी. एंड दीज वर मेक 1000 ईयर ऑफ एगो. एंड यू नो ये वॉल्स पे जो पेंटिंग्स हैं क्या डिपिक्ट कर रही हैं. यू नो दैट दीज पेंटिंग्स आर डिपिक्टिंग लॉर्ड बुद्धा आर कमिंग बैक टू होम आफ्टर गेटिंग द एनलाइटमेंट. यू कैन सी योर जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो घर वापस आ रहे हैं एनलाइटमेंट पाने के बाद. जब उन्हें एनलाइटमेंट मिला, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, देन वो कैसे घर वापस आते हैं. ऑल आर डिपिक्टिंग इन दीज पेंटिंग्स. लुक एट दिस. एवरी वॉल हैज सम पेंटिंग्स. Look at this.
यू कैन सी सब वर्शिप कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू देयर लाइफ पेंटिंग सब उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं. अजंता केव कॉम्प्लेक्स इज मोस्टली रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा उनसे ही रिलेटेड है बुद्धिज्म जो हमारा रिलीजन है उससे रिलेटेड है दीज केव्स. कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं ये यू कैन सी ओ इज इट ब्यूटीफुल. चले नेक्स्ट केव में. यस चले अब नेक्स्ट केव में. टेल मी Yes, so let's move to the next cave. That is your cave number 19. Let's go there. This is our special cave. ये हमारी special cave है. आप guess कर सकते हो कि क्या special होगा इसमें? I am only showing you the best caves out of 29. There are 29 caves and right now I am showing you the best 5 caves out of these 29 caves and this is the one of them and this is special cave. ये बहुत special cave है. आप guess कर सकते हो क्या होगा special इसमें? This is our cave number 19. And this is famous और हम इसे worship hall consider करते हैं. इसे हम worship hall consider करते हैं. You can see इसमें Lord Buddha की कितनी बड़ी मूर्ति है. Look at this कितनी सुंदर है ये in standing posture. And you can see ऊपर भी again एक और मूर्ति है. And उसके ऊपर एक और कितने अच्छे से बनाया हुआ है. एंड इवन वन मोर इज देयर कितने अच्छे से बनाया है विदाउट एनी मशीन्स बाय यूजिंग हैंड्स अपने हैंड्स को यूज करके कितने अच्छे से बनाया गया है. लुक एट द आउटसाइड इसके रूफ यू कैन सी द रूफ कितना अच्छा स्ट्रक्चर है. सिमेट्री है इस साइड द लाइन ऑफ सिमेट्री. यस सी द रूफ एंड इवन यू फाइंड जो हमारी पिलर्स हैं एंड वॉल्स हैं इस पे भी मूर्तियां बनाई हुई है. नो पेंटिंग्स इनमें कोई पेंटिंग नहीं है. ओनली आइडल्स आर देयर सिर्फ आइडल्स हैं इस केव में. यू कैन सी योर एंड यू नो देयर आर 18 पिलर्स. 18 पिलर्स हैं इनमें. काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 on other side. And total are 18 pillars. You can see here 18 pillars hain total. 9 on one side and 9 on another side. Look at the designs. In pe jo designs bane hain. In pillars pe jo designs bane hain. Ab wo dekh sakte hain.
बाहर से देखना है आपको इस केव का व्यू। लेट सी, दिस इज द आउटर आउटर व्यू है ये केव 19 का। बाहर भी कार्विंग है, यू कैन सी बाहर भी इतनी ज्यादा कार्विंग की हुई है विदाउट मशीन्स। दैट्स वाई इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल्स हैं, कितनी ब्यूटीफुल है ये सब। कितनी क्लियरली इन्हें बनाया गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केव। चले अब नेक्स्ट केव में। आर नेक्स्ट केव इज केव नंबर 26। केव नंबर 26। आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है केव 19 और केव 26 में? यस, आपको दिख रही है सिमिलैरिटीज? क्या सिमिलैरिटीज फाइंड हो रही है आपको इसमें? आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है इसमें केव 19 एंड केव 26 में? टेल मी क्या सिमिलैरिटीज है। आई एम शोइंग यू द पिक्चर। यस, सी द रूफ, दोनों की रूफ सेम है। यस, डू यू नो केव 26 को भी वर्शिप हॉल क्या जाता है, इसे भी वर्शिप हॉल कंसीडर करते हैं। बट ये केव 19 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं केव 19 और केव 26 में कितना डिफरेंस है एरिया का। बिकॉज केव 26 केव 19 से बहुत बड़ी है, बट जो इनका रूफ स्ट्रक्चर है वो सेम है, बिकॉज दोनों को वर्शिप हॉल कंसीडर किया जाता है। दे आर ऑल्सो पिलर्स, यहाँ पे भी पिलर्स हैं कोई, एंड जिनपे मूर्तियां बनी हुई हैं। एंड नो पेंटिंग इज देयर। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटिफुली इन्हें बनाया गया है। एंड सी देयर इज अ झरोका फॉर द सनलाइट, सनलाइट के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया गया है। नाउ इनमें जो आयरन यूज है दैट इज यूज बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट पहले यहाँ कुछ नहीं था फॉर डायरेक्ट सनलाइट, सो दैट दे कैन वर्शिप इन डे ऑल्सो, वो डे में प्रॉपर सनलाइट से वर्शिप कर सके गॉड की। दैट्स वाई उन्होंने ये बनाई थी सनलाइट के लिए। लुक एट दिस आइडल, कितना ब्यूटीफुल है। इन दिस केव देयर इज ऑल्सो स्पेस फॉर परिक्रमा, परिक्रमा के लिए भी स्पेस है, यू कैन सी। एंड वॉल्स में सारी तरफ सो परिक्रमा करने चले चले परिक्रमा करने। लुक एट दिस, दिस इज द वे, हम यहां से जाएंगे परिक्रमा करने। लुक एट द स्क्रप्चर, चले चलो आगे, गो एंड सी कितनी ब्यूटीफुली ये मूर्तियां बनाई गई हैं, आइडल्स, कितनी ब्यूटीफुल बनाया गया है इन्हें। लेट्स गो, चले। दिस इज वर्शिप प्लेस, इसे वर्शिप के लिए बनाया गया था कि वर्शिप करने के बाद हम परिक्रमा कर सकें।
लुक एट हियर, आपको यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है, जानते हैं किसकी है? यस, ये भी लॉर्ड बुद्धा की है। जब वो 80 इयर्स ओल्ड थे तब बनाई गई थी ये उनकी मूर्ति। यहाँ पे जो साधु संत रहते थे उन्होंने ही बनाई थी ये मूर्ति। कितनी ब्यूटीफुली बनाया गया है इसे। रेस्टिंग पोस्चर में बनाया गया है। वो रेस्ट कर रहे हैं तो उस पोस्चर में इस मूर्ति को बनाया गया है। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चले आप। ये हमारी अजंता केव्स की, अजंता कॉम्प्लेक्स की 5 बेस्ट केव्स हैं। 5 बेस्ट केव्स हैं ये हमारी अजंता केव कॉम्प्लेक्स की। कितनी ब्यूटीफुल थी, एंड ऑल आर डिफरेंट, सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो लेट्स गो टू द नाउ एलोरा केव कॉम्प्लेक्स। चले हम अलोरा केव कॉम्प्लेक्स में चले। डू यू नो अलोरा केव कॉम्प्लेक्स अजंता केव कॉम्प्लेक्स से 100 किलोमीटर्स अवे है। यस, 100 किलोमीटर्स। एंड अलोरा केव्स में 34 केव्स हैं। 34 केव्स इन अलोरा केव कॉम्प्लेक्स। एंड अजंता में कितनी थी? 29, yes, and in Ajanta cave complex, all the caves are only related to Buddhist religion. वो सिर्फ Buddhist religion से related थी, and जो हमारी Ellora cave complex है, इसमें 12 Buddhist cave हैं, 17 Hindu caves हैं, and 5 Jain caves हैं, and ये 15 किलोमीटर तक spread हैं। ये 15 किलोमीटर तक स्प्रेड है इन वेस्ट औरंगाबाद। लुक एट द आउटसाइड व्यू, कितना ब्यूटीफुल है। डू यू वॉन्ट टू लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट द अलोरा केव्स? तो चले और फैक्ट्स के लिए। दिस इज आर केव नंबर 14। दिस इज आर केव नंबर 14। आप सारे फैक्ट्स को ध्यान से सुन रहे हैं ना? एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आस्क क्वेश्चंस, एंड जो करेक्ट आंसर देंगे उनको गिफ्ट्स मिलेंगे बहुत सारे। दिस इज आर केव नंबर 14 ऑफ अलोरा केव कॉम्प्लेक्स। ये हमारी केव नंबर 14 है, एंड दिस इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म। ये हमारे हिंदू से रिलेटेड है केव। यू विल फाइंड यहाँ पे हमारे जो गॉड गॉडेस हैं उनसे रिलेटेड आपको मूर्तियां मिलेंगी। देयर इज ऑल्सो पाथ फॉर परिक्रमा।
कितनी ब्यूटीफुल है, कर रहे परिक्रमा करें। दिस इज आवर केव नंबर 14 जो हमारे हिंदू से रिलेटेड है। लेट्स गो आउट फॉर द नेक्स्ट केव। दिस इज द आउटर व्यू। दिस इज आवर केव नंबर 16। ये हमारी केव 16 है जिसे कैलासा के नाम से जानते हैं हम। दिस इज नोन फॉर द कैलासा। एंड यू नो दैट ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा। यस, जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं, उनसे रिलेटेड है ये केव। एंड दिस इज द लार्जेस्ट टेम्पल। लार्जेस्ट रॉक को कट करके हमने इस टेम्पल को बनाया था। कितनी प्रिटी लग रही है ना, इज इट ब्यूटिफुल? एंड वेन यू सी दिस यू विल सी, आपको देखे आपको लगेगा ये मल्टी स्टोरी टेम्पल है। ये हमारा मल्टी स्टोरी टेम्पल लगेगा आपको। I am again repeating. Listen the facts carefully. At the end, I will ask the questions. You will see. आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, आपको मल्टी स्टोरीज दिख रहा है। 1, 2, 3 and this is underground. कितने सारे हमारे हैं stories. That's why it's look like a multi-story temple. There are two victory pillars. ये victory pillars भी हैं हमारे यहाँ पर two. One is this side and one is on another side. This one. This is our two victory pillars. And there is a structure of elephant. Elephant का statue भी है यहाँ पर. कितना सुंदर आर्किटेक्ट किया हुआ है इसका। केव 16, दिस इज आवर केव 16 कैलासा। कैलासा मींस शिवा, जो हमारे लॉर्ड शिव है उनसे रिलेटेड। Let's go to the next cave. चले next cave में। Our next cave is cave 15. Our next cave is cave 15. This is our Hindu monument. ये हमारा Hindu monument से related है cave 15. मैंने आपको बताया था ना, इसमें different different caves हैं, जिसमें 12 Buddhist हैं and 17 Hindu caves हैं and cave 15 is one of the Hindu caves. And यहाँ पे बहुत huge, बहुत बड़ा कोट बनाया गया है, बहुत बड़ा कोट बनाया गया है रॉक्स को कार्विंग करके, बहुत बड़ा कोट बनाया गया है इसमें। You can see here, this is for शिवलिंग। दिस इज आवर शिवलिंग। 1000 ईयर से भी ज्यादा पुराना शिवलिंग। दिस इज फॉर वर्शिप, यहाँ पर भी वर्शिप करते थे। ये हमारा टेम्पल है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। दिस इज आवर केव 15 एंड यहाँ पर बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ा कोट है यहाँ पर जो सॉलिड रॉक्स से बनाया गया है। एंड आप आपको पता है यहाँ पर जो राष्ट्रकूट थे उनके भी हमें अंश मिले हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने रूल किया था। आपको पता है उन्होंने कब तक रूल किया था? 600 AD से 10th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था।
मीन 1600 ईयर्स तक उसने उन्होंने रूल किया था इस प्लेस पर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. गुड, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस इज द बालकनी व्यू. दिस इज द बालकनी व्यू जहां पे फोर रुद्रस एक एलिफेंट को हाइड कर रहे हैं. एंड यू कैन सी इन्होंने वेस्ट पर बैंड बांधा है. आपको पता है किसका बैंड बांधा है इन्होंने? स्कल्स का बैंड है. स्कल्स से इन्होंने बैंड बनाए हैं अपने वेस्ट बैंड. यस, लेट्स सी द बालकनी व्यू. This is our balcony view. Let's go to the next. This is our cave number 21. This is our cave number 21, known as Rameshwar Cave. इसे हम रामेश्वर केव कहते हैं. Do you know why? Because इसमें गंगा एंड यमुना की क्योंकि इसमें गंगा एंड यमुना की एडोन इमेज है which are very beautiful. You can see here. This is our cave number 21. It take over 50 years to build. इन्हें 50 years से भी ज्यादा लगा था बनने में. And ये कितनी beautiful है. Our next cave is cave number 29. Our next cave is cave number 25. आपको पता है ये famous क्यों है ज्यादा? This is famous for the वॉटरफॉल. यस, इसके नियर एक वॉटरफॉल है दैट इज कॉल्ड सीता की नहानी. विच मीन्स सीता यूज टू टेक बाथ ओवर हियर. Let's go to our next cave is cave number 10. Let's go our cave number 10. This is known as Vishwakarma. That means the architect of God. आपको एक
केव से रिलेटेड लग रही है, सिमिलर लग रही है किसी केव से? यस, ये हमारी अजंता केव, केव नंबर 19 and 26 से सिमिलर है. यू कैन सी द रूफ एरिया. Similar to Ajanta Cave 19 and 26. Look at the roof area. Similar है ना दोनों. Worship hall, जो हमारे worship hall थे Ajanta and Ajanta Caves में, याद है आपको? This is our Buddhist cave. ये हमारी Buddhist cave है. Our next cave is cave number 5. This is our cave number 5. And you know, ये हमारी more important Alora caves में से एक है. इसमें इसका hall सबसे long है. And there are two benches, which are 18 meters long, more than 18 meters long. You can see, oh, kitna bada hall hai. Benches, two benches, this one and this one, two benches are there. Our next cave is cave number 11 and 12. इनका नाम पता है क्या है? That is, cave number 11 is known as दो ताल and cave number 12 is known as तीन ताल. This is our cave number 12. ताल means floor. ताल का मतलब है यहाँ पे floors. These are cave number 12, you can see cave number 12 को हम कहते हैं तीन ताल. So this is 1, 2 and 3. So ये हो गए हमारे 3 floors. That's why इसका name है तीन ताल. Let's see cave 11. This is our cave 11 and our next cave is cave number 32. This is our cave number 32. That is called Indra Sabha. जिसे इंद्र सभा कहते हैं. इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं. इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं. And this is the part of Jain caves. ये हमारी Jain caves का पार्ट है. And you know, इसमें अपर स्टोरी भी है. There is a upper story जो सबसे ज्यादा largest है and most elaborated. बहुत सारे pillars हैं, मूर्तियां हैं, panels. You can see here कितना beautiful है and कितनी बड़ी है इसकी upper story.
इन केव्स को 500 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगा था, 500 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगा था बनने में. दिस इज आवर जैन केव, ये हमारी जैन केव है. एलोरा केव कॉम्प्लेक्स में टोटल 5 जैन केव्स हैं, फ्रॉम नंबर 30 से 34 तक. दिस इज आवर 32 इंद्रसभा. एंड आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट केव इज केव नंबर 34. केव नंबर 34 जो हमारी लास्ट केव है एलोरा कॉम्प्लेक्स की. एंड दिस इज अगेन रिलेटेड टू जैन, ये हमारी जैन केव है. यू विल फाइंड हियर कि हमारे यहाँ पर डोर पे दो आपको द्वारपाल्स भी दिख रहे हैं. एंड इनका डोर वे कितना ब्यूटीफुल है. दिस द्वारपाल वन एंड ऑन अदर साइड दो द्वारपाल्स हैं यहां पर. लुक एट दिस आइडल कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है. These idols shows the lot of prosperities, जो हमारी prosperities, lot of prosperities हैं, उनको show करते हैं. Look at the views. कितना beautiful इन caves को बनाया है. This is the last cave. Thank you to all. आपने enjoy किया ये trip? Do you enjoy the trip with us? Tell me in the comment section. This was the last cave. आई होप आप सब ने ये टूर इंजॉय किया होगा हमारे साथ एंड सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से सुना होगा. बिकॉज आई विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. इस सेशन के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड जिन्होंने सबसे करेक्ट आंसर किए उन्हें अभिनव जूनियर्स की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा. Question will be given on the page of Abhinav Juniors. So follow the page and write your answers. We enjoy with you. I hope aapne bhi hamare sath enjoy kiya hoga. Bye bye. See you soon. And till then, take care, take all the precautions. We'll meet you soon for the next virtual tour. And if you want to know the more caves about this, then tell me in the comment section. And also tell me, aap kahan jana chahte ho next time? ऑन वर्चुअल टूर आप कहाँ जाना चाहते हो नेक्स्ट वर्चुअल टूर पे बताओ मेरे को एंड फिर हम वही चलेंगे.
बाय 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 टू ऑल.